सभी को नमस्कार। हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नई यूनिट शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है उपसहाय संयोजक यौगिक। इससे पहले हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अकार्बनिक रसायन में प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का रसायन पढ़ चुके हैं, द्वितीय एवं तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों का रसायन भी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा लेंथेनाइड एलिमेंट्स भी हम पढ़ चुके हैं। तो लगभग 3 यूनिट पहले कंप्लीट हो चुके हैं। चौथी यूनिट इनऑर्गेनिक की वो आज स्टार्ट कर रहे हैं उपसहाय संयोजक यौगिक। देखिए क्या है और क्या समझते हुए चलना, बहुत अच्छी यूनिट है, बहुत इंटरेस्टिंग है और समझने में भी बहुत आसान है। एक बार आप इसको समझने की कोशिश करोगे तो आप एक बार में ही समझ में आ जाएंगे। तो देखिए उपसहाय संयोजक यौगिक शुरू करते हैं। चलो उपसहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं इसको समझने से पहले हमें इससे पहले एक अलग टर्म समझनी होगी और जिससे अपन शुरुआत करेंगे इस चैप्टर की, वो क्या है। देखिए मोलिकुलर और एडिशन कंपाउंड, मोलिकुलर या एडिशन कंपाउंड क्या होते हैं। दो या दो से अधिक स्थायी यौगिकों से मिलकर बने हुए यौगिक मोलिकुलर या एडिशन कंपाउंड कहलाते हैं। मैं रिपीट कर देता हूं, दो या दो से अधिक स्थायी यौगिकों से मिलकर बने हुए या स्थायी अणुओं से मिलकर बने हुए यौगिक मोलिकुलर या एडिशन यौगिक कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला पहला है द्विक लवण, यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं डबल साल्ट, और दूसरा है संकुल लवण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो मोलिकुलर और एडिशन कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं, डबल साल्ट यानी कि द्विक लवण और संकुल। द्विक लवण और संकुल लवण में क्या अंतर है उसकी हम बात करेंगे। संकुल लवण जो होते हैं इनको इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं, इनको ही जटिल यौगिक कहते हैं, इनको ही उपसहाय संयोजन यौगिक कहते हैं। तो संकुल लवण या उपसहाय संयोजक यौगिक भी इनको ही कहते हैं, जटिल लवण भी इन्हीं को कहते हैं। चलिए ये क्या है और ये क्या है। पहली बात, द्विक लवणों में डबल साल्ट में जो स्पीसीज या जो अणु आपस में जुड़े रहते हैं उनके बीच में आयनिक बंध पाए जाते हैं, यानी स्पीसीज के मध्य आयनिक बंध पाए जाते हैं। और हम इसकी बात करें अगर संकुल लवणों की, तो इसमें स्पीसीज के मध्य उपसहाय संयोजक बंध पाए जाते हैं। देखिए पहला पॉइंट जो है कि डबल साल्ट जो होते हैं, द्विक लवण जो होते हैं, उन द्विक लवणों में स्पीसीज जो जुड़ी हुई होंगी उनके बीच में आयनिक बंध पाए जाएंगे, और संकुल या उपसहसंयोजक जो यौगिकों में है उनमें स्पीसीज के मध्य उपसहसंयोजक बंध पाए जाएंगे। दूसरी बात,
इनके सूत्र सामान्य रूप से लिखे जाते हैं, जैसे जे एक डबल साल्ट है, द्विक लवण है, K2SO4 into Al2SO4 के होल थ्राइस into 24H2, जिसको हम फिट करी कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, फिट करी कहते हैं। ये एक डबल साल्ट का एग्जांपल है, द्विक लवण का एग्जांपल है। यानी इनके सूत्र सामान्य रूप से लिखे जाते हैं, जैसे NaCl लिख दिया, KCl लिख दिया, तो उसमें दो से ज्यादा लवण है तो उनको लगातार उसी क्रम में लिखते हुए चले जाते हैं। इनके सूत्र में कोष्ठक होता है, यानी बड़ा कोष्ठक होता है, इनके सूत्र बड़े कोष्ठक में निकल जाते हैं। एग्जांपल के रूप में हम बात करें, ये एक संकुल यौगिक का एग्जांपल है, K4FeCN6, इसमें से K4 इस बड़े कोष्ठक के बाहर है, FeCN6 पूरा एक जटिल लवण है, एक संकुल लवण है, और उस संकुल लवण के संकुल यौगिक को हमने पूरे बड़े कोष्ठक में रखा हुआ है। तो ये यौगिक जो होते हैं वो कोष्ठक में लिखे जाते हैं, ये सामान्य रूप से लिखे जाते हैं। तो इनमें दो अंतर इनमें ये हो गए। आगे बात करते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण अंतर है वो देखिए क्या है, तीसरे बात करते हैं, थर्ड डिफरेंस की बात करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, डबल साल्ट द्विक लवण उन सभी आयनों का परीक्षण लेते हैं, मैं जो कह रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनो ना, कि द्विक लवण उन सभी आयनों का परीक्षण लेते हैं जिनसे मिलकर वो बने होते हैं, तथा संकुल लवण उन सभी आयनों का परीक्षण नहीं देते हैं जिनसे मिलकर वो बने होते हैं, बल्कि कुछ नए आयनों का परीक्षण देते हैं। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, फिट करिए पोटास एलम, ये पोटास एलम जो है, जैसे ही इसका विलयन बनाएंगे हम, विलयन अवस्था में आएगी, वैसे ही ये K प्लस, इसमें पोटेशियम आयन है K प्लस, तो K प्लस का परीक्षण देंगे, इसमें एल्यूमिनियम है तो Al3 प्लस का परीक्षण भी देगा, इसमें सल्फेट आयन है तो सल्फेट आयन का परीक्षण भी देगा। तो जैसे ही इसको हम जल में पानी में घोलेंगे, इसका विलयन बनाएंगे, तो विलयन में पोटेशियम का टेस्ट भी आएगा, एल्यूमिनियम का टेस्ट भी आएगा, और सल्फेट आयन का टेस्ट भी आएगा। लेकिन अगर हम संकुल लवण की बात करें तो ये एक एग्जांपल है K4FeCN का होल 6। तो अगर इसको हम विलयन बनाएंगे, इसको हम पानी में डालें, पानी में डालने के बाद हमने विलयन बना लिया, तो उसमें इसमें आयन जो है वो K प्लस भी है, Fe2 प्लस भी है, और Cn माइनस भी। इसमें तीन प्रकार के आयन हैं, पोटेशियम, आयरन और साइनाइड। तो ये पोटेशियम का टेस्ट तो देगा, लेकिन ये आयरन और साइनाइड का टेस्ट नहीं देगा, Fe2 प्लस और Cn माइनस का टेस्ट नहीं देगा, बल्कि ये FeCn का होल 6 4-, ये इस नए आयन का टेस्ट देगा। तो हमने वही कहा है कि ये डबल साल्ट द्विक लवण वो यौगिक होते हैं जो विलयन अवस्था में उन सभी आयनों की परीक्षण देते हैं जिनसे मिलकर वो बने हुए होते हैं, लेकिन संकुल लवण वो यौगिक होते हैं जो उन सभी आयनों का परीक्षण नहीं देते हैं जिनसे मिलकर वो बने हुए होते हैं, बल्कि वो कुछ नए आयनों का परीक्षण देते हैं। तो ये है संकुल यौगिक। तो इन सभी बातों के जो हमने दो तीन बिंदु पढ़े हैं, उन दो तीन बिंदुओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हम इस बात को इस तरह से समझ सकते हैं कि संकुल यौगिक वे यौगिक होते हैं जिनमें संकुल यौगिक वे यौगिक होते हैं जिनमें धातु परमाणु के साथ
ऋणात्मक स्पीसीज या उदासीन स्पीसीज उपसह संयोजक बंध द्वारा जुड़ी रहती है। मैं रिपीट कर देता हूं दोबारा से, ऐसे यौगिक जिनमें धातु परमाणु के साथ ऋणात्मक स्पीसीज या उदासीन स्पीसीज, ऐसी उदासीन स्पीसीज, मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, दोबारा से सुनना ध्यान से, कि ऐसे यौगिक जिनमें धातु परमाणु के साथ ऋणात्मक स्पीसीज या लोन पेयर युक्त उदासीन स्पीसीज उपसहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ी रहती हैं, उन्हें उपसहसंयोजक यौगिक कहते हैं। तो ये हुई बात उपसहसंयोजक यौगिकों की। उपसहसंयोजक क्या है, यानी कि उपसंकुल यौगिक या उपसहसंयोजक यौगिकों में जो दो स्थायी अणु है या धातु परमाणु के साथ कोई भी स्पीसीज जुड़ी हुई है, चाहे वो ऋणात्मक हो, चाहे वो उदासीन स्पीसीज हो, लोन पेयर युक्त स्पीसीज हो, वो उसके साथ धातु परमाणु के साथ उपसहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ी रहेगी। एक बार से मैं आप लोगों को बता दूं, वैसे आपको पता होगा कि उपसहसंयोजक बंध क्या होता है। ऐसा बंध है जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही स्पीसीज द्वारा दिए जाते हैं, उपसहसंयोजक बंध कहलाता है। मैं रिपीट कर देता हूं कि ऐसा बंध है जिसमें कोई भी बंध जो बनता है वो दो इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है, दो इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो अगर वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही स्पीसीज द्वारा दी जाती है तो वो उपसहसंयोजक बंध कहलाता है, और अगर दोनों इलेक्ट्रॉन दो अलग अलग स्पीसीज द्वारा दी जाती है एक एक इलेक्ट्रॉन, तो वो सहसंयोजक बंध कहलाता है। तो उपसहसंयोजक बंध ऐसे बंध होते हैं जिनमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही स्पीसीज द्वारा दिए जाते हैं। तो ये बात हुई उपसहसंयोजक यौगिकों की। उपसहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं, जो है द्विक लवण क्या होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है विद एग्जांपल। तो आगे देखिए, उपसहसंयोजक यौगिक होते हैं उनकी हमारे डेली लाइफ स्टाइल में और हमारे जीवन में और प्रकृति में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। यानी कि प्रकृति में बहुत सारे उपसहसंयोजक यौगिक पाए जाते हैं, जैसे पादपों में पाए जाने वाला हरित रंग जो होता है, ग्रीन पिगमेंट, हरित लवक, वो मैग्नीशियम धातु, मैग्नीशियम धातु का उपसहसंयोजक यौगिक होता है। जो पादपों में पाए जाने वाला हरित लवक जो होता है वो मैग्नीशियम धातु का उपसहसंयोजक यौगिक होता है। मनुष्यों में, इंसानों में पाए जाने वाला जो लाल वर्णक है, ब्लड में जो पाया जाने वाला जो लाल वर्णक है, यानी कि जिसको हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कहते हैं, यानी जो हमारे शरीर के में खून में पाया जाता है, लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन वो आयरन का उपसहसंयोजक यौगिक होता है। तो वनस्पतियों और जीव जंतुओं में अब बहुत सारे उपसहसंयोजक यौगिक पाए जाते हैं, और इन उपसहसंयोजक यौगिकों का हमारे जीवन में विशिष्ट योगदान है। जैसा कि पादपों में जो हरित लवक है वो भोजन बनाने के काम में आता है, वो मैग्नीशियम का उपसहसंयोजक यौगिक है, और हमारे शरीर में श्वास में जो काम आता है, यानी कि हीमोग्लोबिन जो है, जो ऑक्सीजन और CO2 का वाहक होता है, उसको लाने ले जाने काम करता है, वो आयरन का एक उपसहसंयोजक यौगिक होता है। आगे देखिए, उपसहसंयोजक यौगिक का एग्जांपल मैंने अभी आपको एक लिखा था, K4HECN6। देखिए, इसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहता हूं। देखिए, ये जो बाहर जो आयन होता है उसको हम काउंटर आयन कहते हैं, या काउंटर आयन या प्रति आयन कहते हैं, जो बाहर उपस्थित होता है, और जो कोष्ठक के अंदर होता है इसको हम कहते हैं संकुल आयन। इसको क्या कहते हैं, संकुल आयन या उपसहसंयोजन आयन कहते हैं।
ये केवल एक बेसिक जानकारी बता रहा हूँ, इसके बाद में डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे। तो ये काउंटर आयन है और ये जो कोष्ठक के अंदर होता है वो होता है संकुल। ये काउंटर आयन विलयन में पहचाना जा सकता है और ये संकुल आयन भी विलयन में पहचाना जा सकता है। लेकिन इस संकुल आयन में कौन कौन से आयन उपस्थित हैं उनको हम विलयन में पहचान नहीं सकते हैं। यानी संकुल आयन जो कोष्ठक के अंदर लिखा रहता है ये पूरा ही एक आयन की तरह काम करता है, यानी बड़ा आयन होता है। देखिए इस संकुल आयन के अंदर जो एक परमाणु होता है ये होता है धातु परमाणु। इस संकुल आयन में एक ही जो धातु परमाणु होता है इसको कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। क्या कहते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। और इस केंद्रीय धातु परमाणु के साथ बहुत सारे जो परमाणु या समूह जो जुड़े रहते हैं इन समूह को कहते हैं लिगेंड। इन समूह को क्या कहते हैं? लिगेंड कहते हैं। तो कोई भी संकुल आयन वो केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड से मिलकर बना होता है। कोई भी धातु जो है संकुल यौगिक होता है वो उपसंयोजक यौगिक जो होता है वो केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड से मिलकर बना होता है। तो आप लोगों को फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि उपसंयोजक यौगिक कह दूं मैं या संकुल यौगिक कह दूं या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कह दूं या जटिल यौगिक कह दूं ये सब एक ही बात है। तो उसके बारे में मैंने एक सामान्य सी जानकारी आपको दे दी है और डबल साल्ट और उसमें क्या अंतर होता है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया है। इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।